अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं आपका ख्वाजा मोइनुद्दीन। आज हम लोग खास कर आप लोगों के लिए शार्क फिश बिरयानी बना रहे हैं। जी हाँ, शार्क फिश फ्राइड पीस बिरयानी। जी हाँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। चलिए देखते हैं नवाब्स किचन के स्टाइल में कैसे बनाते हैं। आज व्यूअर्स के लिए एक सरप्राइज डिश बना रहे हैं। जी हाँ, पहले आपको वो ओपन करके दिखाएंगे इसमें क्या है कि फिश का कटिंग प्रोसेस तो हो गया है। अच्छी तरह इसको दो तीन बार वॉश कर चुके हैं। इसी फिश पीसेस को हम लोग मैरिनेट करेंगे। उसके लिए पहले हम लोग इसमें फिश ऐड करेंगे। इसी फिश पीसेस में हम लोग टर्मरिक पाउडर, रेड चिल्ली पाउडर और सॉल्ट ऐड करेंगे। मैरिनेशन के प्रोसेस के वक्त ही हम लोग इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट थोड़ा ही ऐड करेंगे। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट फिश मसाला भी अभी ऐड करेंगे। इन सारे मसाले पीसेस में अच्छी तरह अप्लाई करें। बाद हम लोग 30 मिनट तक मैरिनेशन के लिए रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस देखेंगे। हाफ एन आवर तक मैरिनेट करे थे उसी पीसेस को हम लोग स्लाइटली रोस्ट करेंगे।
फिश पीसेस को फ्राई करे बाद हम लोग फिर से उसमें थोड़े इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। पहले हम लोग जो फ्राई करके रखे थे वो पीसेस इसी बाउल में डालेंगे। बिरयानी प्रोसेस में हम लोग पहले थोड़ा सा कर्ड ऐड करेंगे इसमें। इसी पीसेस में ग्रेवी के लिए हम लोग थोड़े स्लाइस्ड ऑनियंस भी ऐड करेंगे। एज यूजुअल बिरयानी में हम लोग फ्राइड ऑनियंस ऐड करते हैं ताकि बिरयानी फ्लेवर अच्छी लगे। इसमें भी हम लोग फ्राइड ऑनियंस ऐड करेंगे। फाइनली चॉप्ड कोरिएंडर और मिंट लीव्स भी ऐड करेंगे। स्पाइसीनेस के लिए हम लोग स्लाइस्ड ग्रीन चिल्ली भी ऐड करेंगे। फाइनली और थोड़े स्पाइसेस भी ऐड करेंगे, कोरिएंडर पाउडर, क्यूमिन पाउडर और बिरयानी मसाला। आज हम लोग जो फ्राइड पीस बिरयानी बनाए हैं शार्क फिश का, पीस इतना इतना सॉफ्ट है जैसे मुंह में डालते ही ये पिघल जा रहा है। बहुत ही सॉफ्ट है और बिरयानी इतनी सॉफ्ट बनी है माशाल्लाह। बच्चे भी आसानी से खा सकते हैं, विदाउट बोन है फिश है। एक्सलेंट टेस्ट है, आप यकीन नहीं मानते, जैसा खाते हैं तो खाने को जाएगा। और स्पाइसेस भी परफेक्टली है। आप भी अपने घर पे कोशिश करिए। पहले हम लोग धोनी वाले खा लेंगे, उसके बाद नीडी पीपल को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे।
वीडियो देखते ही अपने घर पे भी कोशिश करिए और आपको कैसे लगा हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए। नेक्स्ट वीडियो अपलोड होने तक हमारे टीम के लिए दुआ करिए। अल्लाह हाफ़िज़।